क्वेश्चन है कि जैन धर्म की सारी बातें हमें अच्छी लगती है, समझ भी आती है, लेकिन हम इसका एप्लीकेशन कैसे करें लाइफ में? एप्लीकेशन करने के लिए हम क्या करें? देखो, एप्लीकेशन करने के लिए हमें तीन बातें समझनी होगी, तीन सूत्र। पहला सूत्र, हमारे विचारों में अनेकांत हो। अनेकांत यानी कि हर बात को मल्टी डायमेंशनली सोचने के लिए हम खुले हो, हम किसी भी प्रकार की सोच को लेकर के रिजिड ना हो। क्योंकि जैन दर्शन ये कहता है कि इस सृष्टि के सारी चीजें अनेकांत है, अनेक आयामी है, मल्टीफेसेस है, मल्टीफेसेटेड है। अगर हम किसी एक ही फेस को लेकर के आग्रह बन जाएंगे तो हम जीवन के सत्य से वंचित हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, विचारों में अनेकांत, यानी किसी बात को लेकर के एकांत मत बनो, पकड़ मत बनाओ, विचारों का आग्रह मत रखो। हर व्यक्ति के विचार को उनके व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश करो, हर धर्म की बातों को उनके व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश करो, और हर समय की बातों को, हर युग की बातों को उनके व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश करो, और अपने संगी साथियों की बातों को उनके व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश करो, तो आपको कभी कोई व्यक्ति गलत नहीं फील होगा। विचार सही हो जाएंगे तो आप दुनिया में कभी किसी को गलत नहीं कह सकोगे। आप यही कहोगे ऐसा उसका व्यू पॉइंट है। तो विचारों से हिंसा खत्म, विचारों का आग्रह खत्म। तो कितनी सारी चीजों की वजह से जो हमारे अंदर तनाव पैदा होता है वो तनाव ही खत्म। तो विचारों में अनेकांत, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमारा आचार जो हो, आचरण, आचरण में दो सूत्र ध्यान रखना, अनावश्यक को छोड़ते जाना आचरण में अनावश्यक को छोड़ते जाना आवश्यक में मर्यादित होते जाना। आचरण में जो भी चीजें हम काम में लेते हैं, भोग भोग है, जीवन के सारे रिश्ते नाते हैं, इन सब में ध्यान रखना। चाहे बोलना, वो भी आचार है हमारा, बोलने में क्या अनावश्यक को छोड़ते जाओ, खाने में अनावश्यक को छोड़ते जाओ, वस्तु सामान को इकट्ठा करने में अनावश्यक को छोड़ते जाओ। अनावश्यक को इसलिए छोड़ते जाओ ताकि तुम किसी चीज के बंधन में ना रहो, किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। और जितना करोगे उतना चिंता बढ़ेगी, जितना अनावश्यक इकट्ठा करोगे या अनावश्यक बोलोगे झगड़े फसाद होंगे, कभी बहुत ज्यादा राग बढ़ेगा और कभी उसी स्थान में बहुत ज्यादा द्वेष भी बढ़ेगा अनावश्यक बोलोगे तो। ठीक है, अनावश्यक इकट्ठा करोगे तो तनाव आएगा, दूसरे लोगों की नजर आप पर लगेगी और उसके मन में इंफीरियरिटी के कारण हम बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे से बदला लेने के लिए कुछ भी उपाय करेगा। चाहे आपके मन में कोई बुरी भावना नहीं है, लेकिन सामने वाले की, उसको लगेगा कि मेरे पास खाने को रोटी नहीं और ये रोटी को वेस्ट कर रहे हैं, ये रोटी को इतना इकट्ठा कर रहे हैं। रोटी के लिए कुछ भी, ब्रेड बटर कुछ भी हो सकता है, उसमें पैसा हो, कपड़ा हो, कुछ भी, अनावश्यक बहुत सारे प्लॉट्स इकट्ठे कर लिए, कुछ भी। ठीक है, तो अनावश्यक में हमें छोड़ते जाना और जो आवश्यक बचा उसमें भी हमें मर्यादित होते जाना। तब क्या होगा कि हमारी जो आत्मा की भावधारा है वो वस्तुओं पे नहीं लगेगी तो किसी और अन्य ज्ञान विज्ञान के विषयों को प्रकट करेगी, नहीं तो वो बाहर की वस्तुओं में ही इतनी अटक के रह जाएगी कि ज्ञान विज्ञान के नए नए आयामों को खोलने के लिए उसके पास समय ही नहीं होगा। एक किसी कवि की बात बताती हूँ। किसी कवि से पूछा गया, आप इतनी अच्छी कविताएं कैसे कर लेते हो, हमारे दिमाग में कैसे विचार भी नहीं आते। जिसने पूछा, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि को देखते हुए उस कवि ने जवाब दिया कि जब तक तुम गले तक भोजन से भरे हुए हो तब तक दूसरा विचार करने के लिए तुम्हारे पास में स्पेस ही कहाँ है। और आज देखो हम जैनियों के साथ में बड़ी दिक्कत क्या है, आज हम बहुत कुछ नया इन्वेंशन नहीं करते जो हम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत क्षमताएं हैं लेकिन हमारी सारी क्षमताएं वस्तुओं को इकट्ठी करने में लग रही है या नहीं, तो नया ज्ञान विज्ञान कैसे प्रकट कर पाएंगे। और आप देखो पुराने जमाने में क्यों भारत दुनिया का गुरु सिर मोर माना जाता था,
क्योंकि भारत के लोगों ने वस्तुओं को इकट्ठा करने की चिंता नहीं की, उन्होंने नए नए ज्ञान विज्ञान को अपने भीतर डेवलप किया और ध्यान से ऋषि मुनियों ने पैदा किया, आयुर्वेद पैदा हुआ भारत में, और बिना जाने कितनी तरह की चीजें, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हो क्यों भारतीय लोगों ने पैदा कर पाया उन सब चीजों को, क्योंकि उनकी मनीषा वस्तुओं में अटकी नहीं थी। ठीक है, तो जैन धर्म को अप्लाई करने का दूसरा सिद्धांत यह है कि आचरण में अनावश्यक छोड़ते जाना और आवश्यक में भी मर्यादा करना, ताकि ध्यान फालतू जगह पे ना लगे। दो बातें हो गई, कर सकते हो। अब तीसरी चीज, अपने आप को हर समय समभाव में रखना, बैलेंस, अपने आप को हमेशा बैलेंस रखना, और जरा भी बैलेंस हटा पता तो लगेगा, रिदम और हार्मनी डिस्टर्ब हुई, खुद को पता लगता है, सबको पता लगता है कि इस टाइम में मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूं, मेरी रिदम और हार्मनी डिस्टर्ब हो गई। अगर रिदम हार्मनी डिस्टर्ब हो गई है तो आंखें बंद करके खुद के अंदर उतरना, अपना प्रतिक्रमण करना, अपनी सामायिक में यानी समता में आना, और जिंदगी की हर घटना के प्रति अपने आप को न्यूट्रल बनाते जाना, बैलेंस करना, तो क्या होगा, खुद को सही रखोगे, खुद को सही रखो, विचारों को सही रखो और आचरण को मर्यादित कर लो। कर सकते हो, बड़े सिंपल से तीन फार्मूले। अब इन तीन फार्मूलों को अप्लाई करो, आप जैनी हो, जैन धर्म आपके धीरे धीरे जीवन में खुद प्रकट होगा। ठीक है, और पहली बात भूलना मत कि मानो मत जानो, चीजों को हमेशा जानना आंख खोल करके, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। लेकिन एक बात और साथ सुनना कि जब तक न जान लो तब तक चीजों को नकारना भी नहीं। आज हमारी नई पीढ़ी में प्रॉब्लम क्या है कि पुरानी पीढ़ी की बातों को वो मानती नहीं, लेकिन जानने की भी कोशिश नहीं करती, जानने से पहले नकार देती है कि सब बेकार। पहले लोगों की ये दिक्कत थी कि वो आंख बंद करके मानते थे, और आज के लोगों की ये दिक्कत है कि वो आंख बंद करके नकारते है या नहीं। तो विराट गुरु जी कहते कि ज्ञान पाना है तो एक ही उपाय है, बिना जाने न मानना और बिना जाने न नकारना, मात्र जानना जानना और जानना, जानना ही जैनी होने का लक्षण है। जैन शब्द जिन धातु से बना है और जिन का मतलब होता है जिसने जाना, जो जान चुका वो जिन, जो जानने की यात्रा पर है वो जैन, जो जान चुका लाइफ का अल्टीमेट ट्रुथ जो जान चुका वो जिन, और जो जानने की यात्रा पर है वो जैन। इसका जाति से, धर्म से, कुल से कोई प्रयोजन नहीं था। जय हो।